नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सार्क सम्मेलन में राजनाथ ने कहा, आतंकवाद है सबसे बड़ा खतरा, इसका खात्मा अब जरूरी। पाक पीएम नवाज ने की आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील। पंजाब चुनावों के लिए आपके उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। फुलका शेरगिल को टिकट, सांसद भगवंत मान को मिली चुनाव प्रचार की कमान। अमेरिका ने पाक को दिया जोर का झटका, 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोकी। अफगानिस्तान में हकानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उठाया कदम। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, जीएसटी लागू होने से भारत में कारोबार करना होगा आसान। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साधी चुप्पी, पार्टी के प्रति निष्ठा का दिया हवाला। और अब दवा खरीदने से पहले ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी की ऐप पर पता करें सही दाम। 29 अगस्त को रसायन उर्वरक मंत्री अनंत कुमार करेंगे लॉन्च। मंत्री स्तरीय सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। राजनाथ ने कहा कि अब आतंकवाद का खात्मा बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने काबुल, ढाका और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। एक दिवसीय सार्क का गृह मंत्री सम्मेलन का आगाज गुरुवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सम्मेलन का आगाज करते हुए कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद सार्क ने दक्षिण एशिया में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में सराहनीय योगदान दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद और संगठित अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें संगठित अपराध और आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए एकजुट होकर चुनौती का सामना करना होगा। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी की आर्मी तैयार हो गई है। गुरुवार को पार्टी ने चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एचएस फुलको और हिम्मत शेरगिल को टिकट दिया है। इनके अलावा हरजोत बेंस और राजकुमार का भी लिस्ट में नाम शामिल है। अर्जुन पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह चीमा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। फुलका को दाखा से, शेरगिल को मोहाली से, बेस को शाहनेवाल से और ब्रिगेडियर राजकुमार को बालाचोल से टिकट दिया गया है। वहीं आप ने पंजाब चुनाव प्रचार की कमान भगवंत मान को सौंपी है। मान को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। पेंटागन से पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद पर फिलहाल रोक लग गई है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टन ने अभी तक कांग्रेस में ये पुष्टि नहीं की है कि पाकिस्तान हकानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कदम उठा रहा है। अमेरिका ये आर्थिक मदद पाकिस्तान को इसलिए देता है ताकि हकानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के संयोग के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए खर्च की अदायगी के लिए भी ये पैसा दिया जाता है। अमेरिका ये मदद गठबंधन संयोग कोष के तहत पाकिस्तान को देता है। पेंटागन के मुताबिक 2002 से लेकर अभी तक सीएसएफ के जरिए पाकिस्तान को 14 अरब डॉलर दिए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि समान करों में जीएसटी एक बड़ा कदम है, इसके लागू होने से भारत में कारोबार करना आसान होगा। राज्यसभा में बुधवार को जीएसटी बिल पास होने के बाद जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी दलों के सहयोग से बिल पास हुआ है। राजू ने भी इसमें काफी मदद की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने पर कुछ वस्तुओं और जींसों की कीमतें घट सकती है। इस बीच राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल 2017 है। वही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि वे इसके फायदे नुकसान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी इस चुप्पी के कारण अर्थशास्त्र की अपनी समझ और पार्टी के प्रति निष्ठाई के बीच संघर्ष नहीं होने देने की इच्छा को बताया। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों के लिहाज से जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने का एकमात्र तरीका उच्च निवेश और पूंजी और श्रम उत्पादकता को बढ़ाना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एक ऐसा ऐप लॉन्च करने वाली है जिसके जरिए दवा खरीदने से पहले उनके दाम की जांच की जा सकेगी। दवा के मूल्य पर नजर रखने वाली ये संस्था जल्द ही अपनी फार्मा जन समाधान सुविधा को स्मार्टफोन तक पहुंचाने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस कोशिश से दवाइयों के मनचाहे दाम वसूलने वाले लोगों पर लगाम लगाई जा सकेगी। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा एंड्रॉयड यूजर के लिए बनाया गया सर्च मेडिसिन प्राइस ऐप रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार 29 अगस्त को लॉन्च करेंगे। NPPA के मुताबिक 2 महीनों के भीतर ही ये सुविधा आईफोन यूजर के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।
अब मरीज आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में सभी दवाओं की कीमत, दवाइयों के सामान्य नाम और जिस राज्य से खरीद रहे हैं उसका नाम डालकर दाम का पता लगा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पुलिस जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला केंद्र ही करेगा। अदालत के इस फैसले से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 239AA के तहत भारत की यूनियन टेरिटरी में पुलिस कानून व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों में पावर केंद्र के हाथ में है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे अपने आदेश में भी बरकरार रखा है। दरअसल दोनों के बीच कई मुद्दों पर अधिकारों को लेकर टकराव होता रहा है और 24 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। गुजरात सरकार को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पाटीदार आंदोलन के बाद आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को हाईकोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। राज्य में उच्च जाति के लोगों के लिए गुजरात सरकार के जरिए दिए गए 10% आरक्षण पर हुई PIL को लेकर गुरुवार गुजरात हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता। राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल काट चुके हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा था जो बाद में हिंसक हो गया। दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र संगरूर आते हुए गुरुवार सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान फेसबुक पर अपनी कार में बैठे हुए वैसे ही लाइव हुए जैसे वो संसद के विवादित वीडियो में हुए थे। मान ने तंज कसा कि वो ऐसा करके अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद मान ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मान ने कहा कि इसके बावजूद मैंने बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि अपनी लिखित माफी में से प्रधानमंत्री और पठानकोट की बात हटा लूं, लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, चाहे वो मुझे पार्लियामेंट से ही क्यों ना निकाल दे। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, मैं नशे का आदी हूँ। देश में पहली बार इनकम टैक्स विभाग बड़े पैमाने पर टैक्स माफी देने पर विचार कर रहा है। इसके पीछे सोच ये है कि इससे लंबित कानूनी मामले घटेंगे, टैक्स वसूली का खर्च कम होगा और बड़े कर चोरों पर फोकस करने में मदद मिलेगी। सरकार करीब 40 लाख लोगों पर 600 करोड़ रुपए का बकाया इनकम टैक्स माफ करने पर विचार कर रही है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन पर 5,000 रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया नहीं हो। 3 साल के भीतर ऐसे बकायेदारों की संख्या 44 लाख तक पहुंच गई है। सरकार 5,000 रुपए तक के रिफंड के मामले निपटने में भी तेजी ला रही है। इस संबंध में इनकम टैक्स विभाग ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।